जय जगन्नाथ। तम्बाखुर उत्पत्ति जणे ऋषि और जणे राजा दुई सड़ु थिले। दिने राणी निज भौणी ऋषि पत्नी को निमंत्रण करी कहिले, तुम्हें सपरिवार आम घर को भोजन करने आसब, मु तुम मान देखा चाहूँगी। तुम मान कथा मोर बहुत मन पड़ी। ऋषि पत्नी निज भौणीर निमंत्रण विषय निज पति को कहिबारु ऋषि कहिले जे सड़ु घर सह अधिक बंधुता भल नुहे। तुम भौणी विलासपूर्ण जीवन बिताऊ, राजा को धन और राजगादीर बहुत अहंकार रही थाए। तेणु से आंभ को असम्मान करिबा पई डाकुछंती, कारण परे आंभ को मध्य सेमानंकु निमंत्रण करिबाकु पड़िबो। आमे तांको भली भोजन व्यवस्था एही जंगल भितरे करिपरिबा नाही। एहा सडुंकर एक षड्यंत्र अटे। तुम सम्मुखरे से निजकु महान एवं मते गरीब बोली प्रमाण करने को चाहती, तेणु तुम्हें सेठा को जीवा को जो योजना करी चा ताहा बातिल कर दियो। सेठा को नजीबा आंभ पाई ठीक हेब, मात्र ऋषि पत्नी मानिले नहीं। तेणु दिने ऋषि सपरिवार अतिथि होई राजांको घरे पहुँचिले। राणी बहुत दामी अलंकार और वस्त्र पिंधिथिले, किंतु ऋषि पत्नीक बेकरे केवल राम नामर जपमाला थिला और से साधारण वस्त्र पिंधिथिले। सेमानंकु देखि दरबारर कर्मचारी और अधिकारी मैंने मुरुकि हसी परस्पर मध्यरे कथा हेउथिले जे ये राजांकर सडु काही राजा भुज काही गंगुतेली। एभली चर्चा को ऋषि परिवार सुनुथिले। भोजन करि सारिबा परे ऋषि पत्नी कहिले, आपण माने मध्य आंभ कुटीर को एही दिन भोजन करिबा को निश्चय आसिबे। निर्धारित दिन अनुसार राजा हजार हजार सैन्य और निज परिवार सहित ऋषि कुटीर निकट रे पहुंचिले। ऋषिवर स्वर्गर राजा इंद्रंकु निवेदन करी एक कामधेनु मागिले। प्रतिबदलरे ऋषि निज पुण्यकर्मर संकल्प करिथिले। इंद्रदेव एक कामधेनु गाई एक बड़ तंबू एवं किछि सेवादारंकु पठाइले। गाई को तंबू भितरे छाड़ी ऋषि परिवार गोमातांकु आरती कले, निज मनोकामना पाई प्रार्थना कले। 56 प्रकार भोग रूपा थाली आपे स्वर्गरु आसी पहुँचिला। ऋषि राजा को भोजन करने को कहले, मात्र ऋषि को असम्मान करने उद्देश्य रे राजा कहले, समस्त सैन्य सामंत मो सह भोजन करिवे, घोड़ा मानंकु मध्य खुआइबाकु पड़िबो। ऋषि कहिले, प्रभुंक कृपारु समस्त व्यवस्था होइजिबो, प्रथमे आपण ओ सैन्य सामंत भोजन करंतु।
राजा भोजनालय निकटकु गले। सेठारे मध्य सुंदर कपड़ा बिछा जाइथिला। इसबु देखि राजा आश्चर्यचकित होइगले। पुणी सेवादार मने रूपा थाली रे नाना प्रकार रो व्यंजन आनी परसिबाकु लागिले। अन्नदेवंक स्तुति करी भोजन आरंभ करिबाकु ऋषि अनुरोध कले। राजा देखिले जे इभली व्यवस्था तुलना रे से देइथिबा भोजन किछि भी नथिला। मु त केवल ऋषिंक परिवार पई भोजन व्यवस्था करथिली। ताहा पुणि तीनि चारि प्रकारर थिला। राजांक मुख लाजरे तळकु होइगला। से भोजन करिबा समयरे बहुत चिंतित थिले। ईर्षार हकीरे दग्धीभूत होई निजर बेइज्जती स्वीकार कले। सैन्य सामंत मने भोजन करी बहुत प्रशंसा कले। राजांक रक्त गरम हो जाउथाय। निजे तंबू भीतर को जाई ऋषिंकु पचारिले जे जंगल भीतर एभली भोजनर आयोजन केमिति कले। ना चुली जलुचे ना चुली रे कड़ई बसीचे। ऋषिवर कहिले मु निज पुण्य ओ भक्ति बलरे स्वर्गरु एक गाई उद्धार आनिछि। सेही गाईर विशेषत्व हैला आम्भे जेते ओ जेपरी भोजन इच्छा करिबु से तुरंत उपलब्ध करिथाए। राजा कहिले जदि मो सम्मुखरे भोजन उपलब्ध करिपारिबे तेबे मोर विश्वास हेब। ऋषि ओ राजा गाई रहुथिबा तंबूर द्वार मुहरे छिड़ा हेले। भितरे केवल गाई ठिया होइथिला। गाईर मुह द्वार सम्मुखकु थिला। तंबू भितरे किछि नथिला कारण समस्ते भोजन करिसारिथिले। शेषरे बळका सामग्री गुडीकु सेवक माने नै जाइथिले। गाई ऋषिंक अनुमतिकु अपेक्षा करिथिला। राजा कहिले ऋषिवर एही गाईटिकु मोते देइ दियंतु। मो पाखरे विशाल सेनाबाहिनी अछि। सेमानंकर भोजन व्यवस्था एही गाई द्वारा कराइबी। तुमर केउं कामरे आसिबो कि? ऋषि कहिले एही गोमातांकु मु स्वर्गरु उद्धार आनिछि। ଏହି ଗାଈର ମାଲିକ ନୁହେଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ରାଜା ଦୂରରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏହି ଗାଈକୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ନେଇଚାଲ। ଋଷି ସଡ଼ୁଙ୍କ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିପାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଈକୁ କହିଲେ ହେ ଗୋମାତା ଆପଣ ଅତିଶୀଘ୍ର ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କାମଧେନୁ ତମ୍ବୁ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ରାଜା ଗାଈକୁ ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ତା ଗୋଡ଼କୁ ତୀର ମାରିଲେ। ତୀର ବାଛି ଗାଈର ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ବୋହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଲା। ଗାଈ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗାଈର ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ
तम्बाखु गछर उत्पत्ति हेला। तापरे सेथिरु मंजी बड़ी अनेक स्थान रे गछ उठिला। तम्मा युक्त खु समान तम्बाखु। तम्मा अर्थात गाई, खु अर्थात खून माने रक्त। यह तम्बाखु गाईर रक्त रु सृष्टि होइछि। यार पत्र उपरे गाईर लोम भली लोम थाए। हे मानव, तुम्हें कौनसी प्रकार तम्बाखु सेवन करो नहीं। तम्बाखु सेवन गाईर रक्तपान करिबा सह समान। आशा करूछि आम भिडियोटी निश्चय भल लगिथिबो। तेबे गोटे लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करिदेबे। पाखरे थिबा बेल आइकन को निश्चय दबेबे। धन्यवाद।